हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये देखिए, ये बाजू है, यूनिक बाजू है। तो इसको मेरे क्लाइंट ने भेजा है, उन्होंने बोला है कि ऐसी बाजू हमें चाहिए। तो ये बाजू की आज मैं कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक बाजू है, आजकल बहुत ही इसका फैशन है। तो ये देखिए, जैसे बो इसकी दी हुई है, ये साथ में ही अटैच है, इसको हमने अलग से नहीं लगाया है। तो इसकी कटिंग स्टिचिंग आपने कैसे करनी है, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कैसे इसकी आपने कटिंग करनी है और कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हम नए नए डिज़ाइन लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये बाजू है, इसको आपने कटिंग कैसे करना है तो आइए आपको बताते हैं। तो जैसे आपने नॉर्मल बाजू की कटिंग करनी है, उसी तरीके से आप बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी ये पैटर्न मैंने बना करके रखा हुआ है, एक बाजू मैंने तैयार कर ली है और दूसरी बाजू आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितनी लेंथ है इसकी बाजू की, आपने जितनी लेंथ रखनी है उससे आपने 10 इंच या 11 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें कपड़ा, ठीक है, लंबाई में। और चौड़ाई में जितना आपका जो आर्म होल है उससे आपने 1-1.5 इंच ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। ये बच्चे की बाजू है तो इसलिए मैंने इसमें जो मोरी है बाजू की 4 इंच रखी है, और जो आर्म होल लिया है वो 1.5 इंच लिया है, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ठीक है। अब आपने जैसे बड़े की बाजू बनानी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, सेंटर में हमने जो है हमारा, तो वहाँ पे हमने कट डालना है 2.5 इंच का, और नीचे से हमने 0.5 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से जो 2.5 इंच का कट हमने निशान लगाया है उसके साथ ऐसे मैच कर देना है, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, सेंटर से हमने 2.5 इंच पे कट लगाया और इसको इस तरीके से सीधा हमने मार्क कर दिया, ठीक है, तिरछा मार्क कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए, बाजू का सेंटर है 14 इंच की बाजू है, बाजू का सेंटर है 7 इंच। तो 7 इंच तक ये देखिए, जहाँ से हमने कट लगाया हुआ है वहाँ तक हमारा जो कपड़ा है वो है 1.25 इंच, ठीक है। और यहाँ से जो हमने कट लगाया है इसको इस तरीके से ओपन करना है, तो इसका डबल ले लेना है हमने, 1.25 इंच, 1.25 इंच मतलब 2.5 इंच। तो 2.5 इंच तक का हमने कपड़े को इस तरीके से खोलना है, ठीक है, यहाँ से। तो इसका गैप जो होना चाहिए 1.25 का डबल मतलब 2.5 इंच तक इसका गैप होना चाहिए कपड़े का। तो ये देखिए, मैंने पिन लगाई हुई थी तो इसको मैं खोल करके बताती हूँ, इस तरीके से बाजू की आपने कटिंग करनी है, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए, कटिंग मैंने कर ली है, ठीक है, क्योंकि एक बाजू मैंने तैयार की हुई है। तो यहाँ तक जिस सेंटर से जो हमारा गैप था वो 2.5 इंच का था, ठीक है। किसी बड़े के लिए भी बनाना है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो ये बच्चे के लिए बनाया है, मैंने 2.5 इंच लिया है। तो कपड़ा मेरे पास कम था तो आगे वाली साइड में मैंने जोड़ लगाया है कपड़े में, ठीक है। तो अब इसको हमने इस तरीके से रखना है, जो हमने पैटर्न तैयार किया हुआ है ऐसे रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमने यहाँ पे पिन अप कर देना है, यहाँ पे हमारा जो गैप होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 2.5 इंच तक का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी इस तरीके से, क्योंकि आजकल ऐसी बाजू बहुत ही ज़्यादा चल रही है, ठीक है। साथ में ही कटिंग हो जाती है तो साथ में ही डिज़ाइन पड़ जाता है, एक्स्ट्रा से हमें डिज़ाइन नहीं पाना पड़ता है, कपड़े में ही इसकी इस तरीके से कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, सारे चारों तरफ से मैंने इसको पिन अप कर दिया है। अब यहाँ से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा, तो इतना छोड़ते हुए यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसका सेंटर आप देख लेंगे कपड़े का, तो जहाँ पे सेंटर है यहाँ पे आप निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, 2.5-2.5 इंच का यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला देना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से देखिए, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा ही लेना है कपड़ा, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, जितना आप दबाव में डालना चाहते हैं, 0.5 इंच या मतलब 1/4 इंच आप दबाव में लेना चाहते हैं तो उतना आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ये हमारी हो जाती है मार्किंग। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा,
ठीक है, तो ये देखिए सारे निशान मेरे लग गए हैं। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी, तो बड़े ही आपने ध्यान से देखनी है, अगर नहीं समझ आती तो वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको भी कट कर देंगे। ये वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं है, जो जो मैं कट करती जा रही हूँ वैसे वैसे ही आपने कट करना है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं ऐसी बाजू बनाने में। ठीक है, तो ये भी हिस्सा मैंने कट कर दिया और ये साइड में भी हमने कट कर देना है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बाजू बनती है। तो आजकल ये बाजू आई है, मतलब न्यू ही इसका फैशन में आई है, तो इसको काफ़ी लोग बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ से ये देखिए सीधी साइड की तरफ से बाजू को लेना है, ये सीधी साइड ही है, ऊपर वाली साइड जो मैंने रखी है सीधी साइड है। सीधी साइड की तरफ इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करेंगे और ऊपर तक हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे और फिर हम यहाँ से भी फोल्ड करेंगे, तो दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा देनी है जहाँ से हमने कटिंग की है। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे जो हमने ये तैयार किया था। ठीक है, इसको खोल देंगे और यहाँ पे हमने एक ब्रोच लगाना है, या फिर आप बटन लगा लें या फिर आप ब्रोच लगा लें। ठीक है, तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग भी आप देखना। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे पकड़ा जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इसी कपड़े में हमारी जो बो बन के तैयार हुई है वो हम बनाएंगे इसी कपड़े में। तो जैसे बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जितना जितनी आपकी बाजू की लेंथ है उससे आप 10 या 11 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे, तभी ये आपका डिज़ाइन बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी वो बनेगी हमारी जो जो शोल्डर के ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमारा ये कपड़ा आसानी से पलट जाए। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा कट लगा दिया और ये कपड़े को मैंने पलटा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी सिलना है। तो ये देखिए सीधी साइड है, उल्टी साइड मैंने नीचे रखी हुई है। अब इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने स्टिचिंग करनी है और ये स्टिचिंग आपने पक्की ही करनी है। ठीक है, क्योंकि ये हम बाद में खोलेंगे नहीं, इसको आपने पक्की स्टिचिंग ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप पक्का कर लें, पक्का करने के बाद एंड तक आ करके फिर से इसको पक्का कर लें। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे ऐसे। तो आप इसको भी हमने छोटा सा कट लगा करके इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हमने कट लगा दिया और इसको मैं इस तरीके से सीधा कर दूंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी बाजू है जो बनके तैयार हो जाएगी। दोनों साइडों से मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। थोड़ा सा हम आगे वाली साइड में थोड़ा सा मैं लेंथ इसकी और बढ़ाऊंगी क्योंकि कपड़ा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। अगर आप पहले से ही आपके पास कपड़ा है तो आप कटिंग ज़्यादा कर लें, अगर कपड़ा नहीं है तो आप फिर लगा सकते हैं इसको, कपड़े को आगे की तरफ से आप और जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लैस लगानी है, अगर चाहते तो ऐसे ही इसको फोल्ड कर सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पे मैं लैस लगाऊंगी क्योंकि कुर्ती में भी लैस लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लैस लगाऊंगी इसलिए मैंने थोड़ा सा और लेंथ बढ़ाई है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे अगर ऐसे फोल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा लुक। ठीक है, तो ये वाली लैस मैं लगा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि कुर्ती में भी लैस लगी हुई है। ठीक है, तो जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो लैस के नीचे छुप जाएंगी, अंडरग्राउंड हो जाएंगी। ठीक है, बाहर वाली साइड में नहीं दिखेंगी, जैसे बैक साइड में जोड़ दिखता है ना उस तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि जोड़ भी मैंने सीधी साइड में ही रखा है, वो लैस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लैस को लगा देना है
और ये देखिए ये फ्रंट साइड में हमारा जो बॉर्डर है वो लेस की वजह से बन जाता है, ठीक है, नहीं तो आपकी सिंपल जैसी बाजू लगेगी। अब यहाँ से हमने ये जो बीट्स हैं इसको निकाल देंगे क्योंकि सुई टूटने का काफ़ी डर रहता है। तो अब हमने जितनी हमारी मोरी है बाजू की उतनी रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे इसके बाजू की, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर दी, और फिटिंग करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा है जो भी आप कट कर दें, और यहाँ पे हमने इसको सीधा करना है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसको हमने जैसे कुर्ती में बाजू चढ़ाते हैं उसी तरीके से हमने इसको चढ़ाना है। और जहाँ पे आपने सेंटर रखा था ना 7 इंच का, जैसे 14 इंच की आपकी बाजू थी तो 7 इंच का सेंटर रखा था, तो यहाँ से हमने इस तरीके से कपड़े को ऐसे रखना है। तो ये देखिए 7 इंच पे मैंने निशान लगाया क्योंकि ये हमारा सेंटर था, ठीक है। और यहाँ से हमने ऐसे इसको पकड़ना है, यहाँ पे एक छोटा सा टांका लगा देंगे, यहाँ पे आपका जो बटन है वो लगेगा या फिर आप ब्रोच वगैरह लगा लें। और यहाँ से आपने बाजू का सेंटर बनाना है, छोटा सा कट लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे कुर्ती में बाजू चढ़ाते हैं उसी तरीके से आपने बाजू को चढ़ाना है। तो बाजू आपने स्टार्ट करनी है शोल्डर से, ये देखिए सेंटर जो मैंने कट लगाया था सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से बाजू को ऐसे नाप करके देखेंगे तो पूरी बाजू फिटिंग आ रही है शोल्डर में, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करना है, शोल्डर वाली साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, बाजू को लगाना। तो इस तरीके से आप देखते जाएं कैसे कैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का जो हमने गैप रखा था जहाँ पे हमने पट्टी बनाई थी, यहाँ पे ये कपड़ा है इसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दूसरी साइड में भी ये है कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा आपका दबाव में नहीं आना चाहिए, जो जितना है उतना ही आपका दबाव में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से आपने बाजू की फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बाजू की फिटिंग हो जाती है, काफी मतलब केयरफुली इसको स्टिच करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए ये बाजू हमारी स्टिच हो गई है। अब हमने इसकी जो बो है वो हमने बनानी है, कैसे बनानी है, यहाँ पे छोटा सा एक टांका लगा लेंगे, बाद में यहाँ पे हमने बटन लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए टांका भी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे ये देखिए बो हमने कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप बनाएंगे। तो जहाँ पे सेंटर है ना हमारा शोल्डर का सेंटर है, वहाँ से आपने कपड़े को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे, ये देखिए ये सेंटर है, ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे, फिर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, सेंटर में ऐसे रखना है, ठीक है, मतलब दो दो तीन फोल्ड आपने इस तरीके से करने हैं, ठीक है, तीन फोल्ड होंगे आपके। और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे ताकि हमें आसानी हो, ठीक है, बार बार खुले नहीं कपड़ा, तो यहाँ पे हमने पिन लगा लिया सेंटर में, ठीक है। तो ये देखिए अब दूसरी साइड में देखिए मैं कैसे इसको फोल्ड करती हूँ, ये देखिए सेंटर जो हमने 2.5 इंच का रखा था ना गैप, यहाँ पे कपड़े को हमने इस तरीके से अपनी तरफ करा, ठीक है, और फिर हमने सेंटर तक ऐसे लेके जाना है कपड़े को, ये देखिए पहले हमने अपनी तरफ करा, फिर हमने यहाँ पे उंगली रखी, ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे यहाँ तक हमने ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे पलट के लेके जाएंगे पीछे वाली साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप पिन वगैरह लगा लें, ये देखिए जो मैंने पिन लगाई थी पहले से, अब दूसरी साइड में भी दोनों को इकट्ठे ही पिन लगा दूंगी। तो ये देखिए दोनों साइड में ऐसे हो गया, अब फिर से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, सेंटर पे लेके आना है, और यहाँ पे हमने गैदर्स डालनी है इस तरीके से, ठीक है। ये एक साइड की हो गई, अब दूसरी साइड में भी इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे, ठीक है। दोनों को हमने इस तरीके से ऐसे मिला करके एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे, या तो आप हाथ से स्टिच कर लें या फिर आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं,
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं मशीन से स्टिच करूँगी ऐसे, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपने यहाँ पे काम करना है, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है। एक दो बार करेंगे, बड़ी आसानी से आपको ये बनाना आ जाएगा। तो ये देखिए, मशीन से मैंने इसको स्टिच कर दिया, दो बार स्टिच कर दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए, ये बो हमारी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कपड़ा लेंगे इस तरीके से, इसको ऐसे हम कवर कर देंगे ताकि हमारा जो जोड़ हमने लगाया है वो हमें दिखे नहीं। अब कवर करने के बाद इसको हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हमने टांका लगाना है, जहाँ पे हमने सुई से सेट करा था सेंटर में, यहाँ पे टांका लगाएंगे ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन है वो खुले नहीं। और ये देखिए, टांका लगाने के बाद ये जो बो बनी हुई है इसको भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे, ठीक है। हाथ से ही स्टिच करेंगे इसको, तो ये देखिए ऐसे हमने इसको स्टिच कर देना है हाथ से। पक्का स्टिच करना है क्योंकि खुल भी सकता है ये, ठीक है। अगर ज़्यादा कोई खींच लेगा पकड़ के तो खुल भी सकता है, इसको अच्छे से आप फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक बटन लगाना है या फिर आप ब्रॉच लगा लें। तो इस तरीके से ये मेरी बाजू बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसा ही लुक आया है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। जो मेरे क्लाइंट ने जो पिक भेजी थी मुझे, बिल्कुल वैसा ही ये स्टिच हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, ठीक है। तो आप लोगों की जो लाइक कमेंट आते हैं उससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।